भाई हम आपका स्वागत करते हैं ताजमहल में। हमारे मित्र को एक कोई फिरंगी के साथ फोटो खिंचवाना है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे दिन में और हमारे इस ब्लॉग में। तो आज हमारा प्लान है कुछ ऐसा कि हम टीम जा रहे हैं ताजमहल, तो इसीलिए हमें तौलिया का बहुत सख्त जरूरत है क्योंकि यहाँ कहीं पे भी हमें गुलाल पड़ सकता है। तो आज होली खेलने का मन नहीं है, ये से कल अच्छे से मुलाकात नहीं हो पाया था, बट आज सुबह सुबह फिर से मिल लिए हैं आशुतोष भैया से, तो फिर मिलेंगे आपसे। अब आप जा रहे हैं जल्दी, कोशिश है दिल्ली आ जाते हैं जल्दी, मिल जाए आपसे। आइए नहीं रहोगे ना, तो बुला रहे हैं। नहीं यार ठीक है, अभी नहीं आया, लेकिन जब भी समय मिले आप दिल्ली में रहोगे, दिल्ली में रहेंगे। मुलाकात होगी बढ़िया, बिल्कुल अच्छा जाएगा। बाकी आप जाइए आगरा का आनंद लीजिए, लखनऊ जल्दी आएंगे जरूर। लखनऊ आई, लखनऊ में भी वही, लखनऊ के आएंगे। ठीक है तो चलते हैं, हम निकलते हैं। तो अभी हम आगरा पहुंच चुके हैं और अभी हम ताजमहल वाली गलियों में हैं, तो चलिए साथ में चलते हैं। और तीन भैया भी हैं, ये सूरज हैं। तो हम छह लोग हैं, हम तीन और मेरे साथ ये तीन भैया हैं, तो चलिए हम सब साथ में ताजमहल। तो साथ में बोलो हर हर महादेव। तो ये आगरा वाला लाल किला है, दिल्ली वाला अलग है और आगरा वाला अलग है। तो इतना दिन से जो हम कंटिन्यूसली होली खेल रहे हैं, इसका प्रभाव में ये पड़ा है कि साक्षी भैया का अंगूठा का बैंड बज गया था कल छड़ी मार होली में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं, बहुत अच्छा रहा कल हम लोग का दिन। और अभय के माथे में बहुत दर्द है, और मेरा प्रॉब्लम ये हुआ कि मेरा आवाज़ बैठ गया है और ये हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, हम चिल्ला नहीं पा रहे हैं, हम अच्छे से बोल नहीं पा रहे हैं। तो ठीक है चलिए, अब ताजमहल आ गए, अब अंदर घुसा जाए। तो अपना सबसे पहला काम होगा वो लोकेशन में फोटो खिंचवाना जहाँ सब खिंचवाते हैं, ताजमहल के सेंटर में। आइए हम आपका स्वागत करते हैं ताजमहल में, और हमारे साथ आपका सफर ताजमहल का काफी अच्छा होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं ताजमहल का सफर। और अगर आप आए तो अपने मित्र के साथ आए, अपने फैमिली के साथ आए, वाटर बॉटल जरूर लाए क्योंकि अब गर्मी में बहुत दिक्कत होने वाली है। और हमारे साक्षी भी हमारे साथ हैं जो कि काफी मजा आ रहा है इनके साथ, काफी मजा आ रहा है देख करके, तो भाई मन प्रफुल्लित हो गया मेरा। अभी मार्च का महीना है, बहुत गर्मी नहीं आया हुआ है, मतलब आराम है, रात को काफी ठंड भी लगती है पर मजा आ रहा है, आवाज बैठा हुआ है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको फेक कैंडिड बनाना भी नहीं आता है। ठीक है अच्छा जगह मिल गया बैठने के लिए, काफी सुंदर है, बहुत सुंदर है। एक फ्लोर हम ऊपर आ गए हैं। ये हमारे पीछे यमुना नदी, बहुत सुंदर। हमारे सामने ताजमहल, बहुत सुंदर। क्या भैया ताजमहल के जस्ट बगल में जो यमुना नदी है, ये थोड़ा और चार चांद लगा देता है। ये हमारे लेफ्ट साइड में ताजमहल है और ये सामने में सपोर्टिंग एक्टर्स हैं। अब क्या नाम है हमको नहीं पता, तो बोल दिए ताजमहल के सपोर्टिंग एक्टर्स हैं ये। हमारे मित्र को एक कोई फिरंगी के साथ फोटो खिंचवाना, हाँ तो अभय को मन हुआ है, जाओ। अरे कुछ नहीं है, करवा दे, खिंचवा लेगी उसको तो अच्छा लगेगा। अरे वाह,
उसके लिए सब कुछ नया नया है, तुम भी नया जाओ, हमको मत घसीटना ऐसे। मैं करूंगा। उधर से रास्ता बाहर भागो, हमारे स्कूल वाले इतना अच्छा जगह कभी नहीं ला देते हमें, लेकिन देखिए इन बच्चों को। एक जगह है जिसे कहते हैं हाथी खाना, वो जगह चलते हैं और आपको व्यू दिखाते हैं। बस यहाँ से निकल के जाना होगा, ताजमहल ही दिखेगा, बट आप चले और देखें। ये चीज़ हम बहुत दिनों से रिसर्च कर रहे थे और वो जगह हमको जाना था काफ़ी टाइम से, तो आए हैं तो चलते हैं, इतना दूर आके वहाँ नहीं जाए। हमारे नज़र से देखें, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि कैसा दिखता है वहाँ से ताजमहल। चले आगे, बोले बांके बिहारी लाल की जय, राधेरा। चेहरे की मुस्कान दिखाइए, चेहरे की मुस्कान। अरे इन्होंने फोटो ले लिया, बहुत खुश हो गया लड़का, फोटो ले लिया, माना नहीं लेकिन खुश हो ना भाई। और कुछ दर्शन, चलिए चलते हैं। तो हमें आगरा का स्पेशल पेठा लेना है, और हमने जो कहा आपसे हाथी खाना, वो अलाउ नहीं है, वो अब बंद कर दिया गया है, हर कोई को अलाउ नहीं है वहाँ जाने के लिए। वहाँ के लिए आपको परमिशन लेना होगा। चलिए ये कौन सी वाली सैंडविच? ये व्हाइट चॉकलेट है, डार्क चॉकलेट है, पान, ये पान, ये अंगूरी है। कौन वाली? ये अंगूरी। आगरा में भिन्न भिन्न प्रकार के पेठा लेने के बाद अभी यहाँ पे मथुरा में शॉपिंग चल रहा है हमारा, काफी कुछ ले रहे हैं, काफी कुछ ले लिए हैं। वो आपका क्या बचा आपका? वैसे यहाँ नहीं बताया जा रहा है, सुबह आया जा रहा है। तो हमारी सारी तरह की पैकिंग हो गई है, हमारी सारी तरह की खरीदारी और पैकिंग हो गई है। फिलहाल रात के 2:30 बज रहे हैं और हम निकल रहे हैं, क्योंकि हमारा 5 बजे मथुरा स्टेशन से ट्रेन है। बात पहुंच चुके हैं वृंदावन में, जो भीड़ उमड़ा है, मतलब पूरा दिल्ली के लोग लग रहा है वहाँ आ गए हैं। तो ठीक है, हम सही टाइम पे वहाँ छोड़ दिए, बट अब हमें होली मनाने जाना है अपना शहर, अपने मम्मी पापा, अपने भाई बंधु के बीच। और तो चले हमारे साथ, पूरा एक दिन हम ट्रेन में रहे और पूरा सो के बीता, इसलिए ब्लॉग करना कुछ बना नहीं। तो चलिए होली मनाने अपने घर, अपने शहर। तो बिलास दास में अटेंड कर लिया होली का, क्योंकि टाइमिंग थोड़ा अलग था इस बार। इधर सही टाइमिंग था आपका भाई 3:30 बजे जलने का, तो 4 बजे कोई जलाया होगा, तो हम 5 बजे सुबह सुबह घर घुस रहे हैं और अब हम घर घुस गए। हाँ मम्मी, अरे वही देखते हैं, सब खड़ा है बाहर, ढोलक वोलक निकल गया, होली का तैयारी।
हैप्पी होली। मेरा बच्चा कहाँ खुश, मेरा बच्चा कहाँ कहाँ से घूम-घाम के आया। बच्चा ब्रश नहीं किया एक दिन से। जा रहे तो कोई बात नहीं। अच्छा जानता है तेरा आवाज सुनी ना, गुड़-गुड़ आ रहा है वाले मेरा अज्जू आ गया मेरा। कौन किया था? सब जगह था, गोलू था। कल ब्लॉग बहुत तगड़ा होने वाला है, होली तो मिलिए आप हमसे कल। हाँ, कल वाला ब्लॉग मिस ना करें आप। कल अपने लोगों के साथ हम होली मनाएंगे और बहुत मजा आने वाला है, कुछ कुछ प्लान भी है। तो चलिए कल मिलते हैं, हम राय प्यार के फिर मिलेंगे। चलते चलते बाय।